जीएसटी हर दिन सफलता का एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। एक तरफ आम लोगों को इससे सामानों और सुविधाओं पर लगने वाले तरह तरह के टैक्स से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर इससे सरकार को हर महीने आने वाले रेवेन्यू में 1,00,000 करोड़ रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद से मोदी सरकार ने कारोबारियों और उपभोक्ताओं के सुविधा के हिसाब से कई सुधार किए हैं। आम लोगों को टैक्स से भी राहत देने के लिए कई बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। मोदी सरकार आम लोगों को सामानों की खरीद पर लगने वाले टैक्स से राहत देने के लिए एक बार फिर से टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। सरकार के इस बदलाव के बाद अब 99% आइटम्स 18% या फिर उससे भी कम के दायरे में आएंगे। अब सिर्फ लग्जरी आइटम्स ही 28% के टैक्स स्लैब में आएंगे। सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले नए फैसले के अनुसार अब जीएसटी के टॉप स्लैब में 226 आइटम्स की बजाय 35 आइटम्स ही रह जाएंगे। 28% जीएसटी के दायरे में कार, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद इससे बाहर हो जाएंगे। हालांकि निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट, रिवॉल्वर और पिस्तौल जीएसटी के सबसे अधिक 28% के स्लैब में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जिन चीजों में कमी देखने को मिलेगी उनमें घरेलू सामान शामिल होंगे। इसके अलावा सीमेंट, टायर और ऑटो पार्ट्स पर राहत मिलेगी। कृषि उत्पादों पर भी सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है, जो फिलहाल 18% के दायरे में है। जीएसटी से पहले के दौर के मुकाबले इन दिनों घरेलू सामान पर औसतन 4% या उससे अधिक की छूट टैक्स में मिल रही है। आम लोगों के अलावा जीएसटी से सरकार को भी फायदा मिल रहा है। कम टैक्स रेट होने के चलते सरकार के रेवेन्यू में भारी इजाफा हुआ है। जीएसटी से सरकार महीने में औसतन 1,00,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटा रही है। टैक्स बेस भी 65 लाख रुपए से बढ़कर करीब दोगुना होते हुए 1.2 करोड़ रुपया हो गया है।